नमस्कार, मैं हंसमत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। बरेली में सोमवार को रामगंगा के चौवारी घाट पर कार्तिक पूर्णिमा मेले का धार्मिक रीति रिवाज के साथ आगाज हो गया है। दोपहर को 2 बजे DM मानवेंद्र सिंह कार्तिक पूर्णिमा मेले का उद्घाटन किया, जिसमें कार्तिक पूर्णिमा मेला 15 से 22 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार खास बात यह है कि पूरे मेले को प्लास्टिक से मुक्त रखा गया है। 19 नवंबर को इस मेले का मुख्य स्नान होगा। प्रशासन ने कार्तिक पूर्णिमा मेले में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। कार्तिक पूर्णिमा मेले के करीब एक सप्ताह से तैयारियां चल रही थी। प्रशासन ने मेले में साफ सफाई के भी खासा इंतजाम रखे हैं। इसी के साथ ही 200 साफ सफाई के कर्मचारी मेला कैंपस में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही रामगंगा में जल प्रवाह को देखते हुए बैरिकेटिंग के बाहर स्नान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गोताखोर और मोटर बोट भी इस बार तैनात कर दी गई हैं। वहीं पीने के पानी के लिए भी टैंकर लगा दिए गए हैं। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। इसी के साथ ही पुलिस मेले में निगरानी करने के लिए ड्रोन की मदद भी ले रही है। सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा मेला विधि विधान के साथ शुरू हुआ है, जिसमें दोपहर करीब 2 बजे DM ने तमाम अधिकारियों के साथ और श्रद्धालुओं की मौजूदगी में मेले का उद्घाटन किया। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी बरेली मानवेंद्र सिंह ने बताया, देखिए चौबारी मेले का विधिवत उद्घाटन भी कर दिया गया है और ये मेला लगभग एक सप्ताह चलता है। 18-19 को काफ़ी भीड़ होगी। 19 को एक बड़ा स्नान है, इसमें काफ़ी भीड़ होती है। पशु मेला भी लगता है, इसी तरह यहाँ पर घोड़े वगैरह भी काफ़ी आते हैं, जिनका कि उसके लिए दूर दूर से व्यापारी आते हैं। यहाँ पर सफाई व्यवस्था के लिए इसे जोर दिया गया है और हमारा प्रयास है कि इस मेले को पॉलीथीन मुक्त रखें, क्योंकि हमें तैयारी करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला। कोविड के नियमों का भी हमें पालन करते हुए निर्णय बहुत बाद में लिया गया, इसलिए उतनी पुख्ता इंतजाम तो नहीं किए गए हम लोग कर पाए हैं पॉलीथीन को रोकने के लिए। लेकिन इतना अवश्य हम लोगों का प्रयास रहेगा कि पॉलीथीन मेले में कहीं दिखाई नहीं, पॉलीथीन लेकर लोग आते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको यदि कहीं फेंकते हैं तो उसको तत्काल किसी डस्टबिन वगैरह में डलवा दिया जाए। मेले में के मेले परिसर में वो पॉलीथीन उड़ती हुई न दिखाई दे और फैली हुई चारों तरफ न दिखाई दे, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सफाई पर बहुत जोर हम लोगों का रहेगा। पिछले बार तो जितने भी सफाई कर्मचारी रहते थे उससे हमने दुगना एक सफाई कर्मचारी लगा और हम लोगों का प्रयास रहेगा सभी के सहयोग से बहुत अच्छे। सर, इसके अलावा देखा जाता है कि जब स्नान करने लोग श्रद्धालु आते हैं उसके बाद में फूल वगैरह चीज़ें नदी में बहा देते हैं, उससे उस स्थिति में क्या कुछ कदम उठाए? मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा कि सिंबॉलिक तरीके से उसका करें वो लोग और नदी को पलूट ना करें और इसमें सब लोग सहयोग करें। अब काफ़ी लोगों के अंदर जागरूकता हुई है, हो चुकी है। इस तरह कुंभ मेला का आयोजन किया गया था, वहाँ बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें अवॉइड की गई थी और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। हम लोग चाहेंगे तो उसी स्तर की व्यवस्था यहाँ पर भी लागू हो।